अगस्ता वेस्टलैंड की बात करें तो इस कंपनी ने साल 2010 में 3600 करोड़ की लागत से यूपीए गवर्नमेंट के साथ 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की एक डील साइन की थी, जिसके बारे में बाद में पता चला था कि इलीगल तरीके से भारत में कई सारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को रिश्वत देने और कॉन्ट्रैक्ट के साथ हेराफेरी करने के बाद ये डील इटालियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड को मिली थी। स्कैम का पता भी इटालियन अथॉरिटीज ने सबसे पहले बताया था, जिसके बाद काफी नेगेटिव पब्लिसिटी होने के बाद यूपीए 2 यानी मनमोहन सरकार ने ये डील फिर साल 2013 में कैंसिल कर दी थी। उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए थे और अगस्ता वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी लियोनार्डो, जिसके अंडर और कई सारी कंपनीज आती हैं, भारत ने डायरेक्टली उसी को बैन कर दिया था, जिसके बाद वो भारत की नई डिफेंस डील्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी। हालांकि इटली गवर्नमेंट पिछले 10 सालों से भारतीय सरकार के पीछे पड़ी हुई थी कि भारत अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी पेरेंट कंपनी लियोनार्डो से बैन हटा दे। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी G20 समिट अटेंड करने के लिए पिछले साल रोम गए थे, वहां पर भी इटालियन पीएम मारियो द्रागी ने पीएम मोदी से यही रिक्वेस्ट फिर से की, जिसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले ही अगस्ता वेस्टलैंड और उसकी पेरेंट कंपनी लियोनार्डो के ऊपर से कुछ शर्तों के साथ सारे बैन हटा दिए हैं। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी अभी भी जारी है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील कैंसिल होने से कुछ समय पहले भारत ने अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी को पहली किस्त के रूप में 106 मिलियन यूरो पे कर दिए थे, जिसके बाद साल 2012 में इटालियन कंपनी ने 3 हेलीकॉप्टर्स भारत को डिलीवर भी कर दिए थे। साल 2012 से आज तक ये तीनों हेलीकॉप्टर्स न्यू दिल्ली के पालमपुर एयरबेस में रखे हुए हैं। इनको भारत ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था और ये वैसे के वैसे वहाँ पर अभी भी खड़े हुए हैं। अगस्ता वेस्टलैंड को बैन कर दिया गया था, इसलिए भारत ना ही इनके स्पेयर पार्ट्स अरेंज कर पाता और इसकी मेंटेनेंस और ओवरहॉल में भी काफी दिक्कतें आती, इसलिए इनको इंडियन एयरफोर्स ने इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ये तीनों कॉन्ट्रोवर्शियल हेलीकॉप्टर्स पिछले 10 साल से बिना एक भी फ्लाइट के बिल्कुल बंद पड़े हैं। इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने अब इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया है और कहा है कि क्योंकि भारत ने अगस्ता वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी लियोनार्डो के ऊपर से बैन हटा दिया है, इसके बाद अब भारत लियोनार्डो के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकता है, इसलिए इन तीनों हेलीकॉप्टर्स को इटालियन कंपनी को वापस दे दिया जाए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अब तीनों अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर्स को इटली को वापस करने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि ये तीनों हेलीकॉप्टर्स पिछले 10 साल से बंद पड़े हैं, इसलिए इनको पीएम, प्रेसिडेंट, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चीफ जैसे वीवीआईपीज को फ्लाई करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये खतरे से खाली नहीं होगा। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने ये भी तर्क दिया है कि वो इन तीनों हेलीकॉप्टर्स को कार्गो और बाकी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब 10 साल तक बंद रहने के बाद इनके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स की बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि इन तीनों हेलीकॉप्टर्स को इटालियन कंपनी को वापस दे दिया जाए। टाइम्स नाउ ने अपनी रिपोर्ट में क्लेम किया है कि इंडियन एयरफोर्स के कहने पर अब इनको वापस इटालियन कंपनी को लौटाने का फैसला कर लिया गया है और इससे संबंधित फाइनल पेपर वर्क और लॉजिस्टिक से संबंधित काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये तीनों हेलीकॉप्टर्स की पेमेंट के रूप में भारत द्वारा पहली किस्त दी गई थी, मोदी सरकार को अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 106 मिलियन यूरो वो भी सूद समेत इंटरेस्ट के साथ वापस लेने चाहिए। खैर, वैसे 10 साल बंद पड़े अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स वापस देकर इंडियन एयरफोर्स ने सही किया, हाँ या फिर ना, इनको इस्तेमाल करना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।